स्टार्ट कर लेते हैं। माय नेम इज रहमानुद्दीन एंड आई एम अ सीनियर लेक्चरर हियर एट नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। टुडे आई विल बी स्टडीइंग रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू रेडियोबायोलॉजी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। सो इन दिस मॉड्यूल वी विल आई विल टीच यू रिगार्डिंग द रेडियोबायोलॉजी and radiation protection. So actually why the radiobiology is important as well as the radiation protection. So radiobiology is important because what we are dealing here with is with the radiations. Our radiations are very harmful, you are well aware of it. So radiation are causing a lot of damage to radiation can cause radiation can cause damage to the human cells. So in that case, radiobiology is very, very important. So now we will have a look, what do we mean by the radiobiology? So radiobiology is also known as a radiation biology. By radio and biology, we mean it's actually this word is composed of two further words. One is like radio from the radiation, and biology is the study of life. So what we are concerned here, about the radiations. So आप लोगों को पता है कि ये एक field of medical sciences है हमारे पास radiobiology, और इसमें हमारे पास radiology या medical imaging में हम ionizing radiation के साथ हमारा वास्ता होता है। तो ये जो ionizing radiations है, it can cause a lot of damage to the human cells या human tissues. So इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट द रेडिएशन कैन कॉज। डरने की हमें जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। वजह यह है कि हमारे पास जो जितने भी रेडिएशंस हैं, हमने बहुत सारे मेजर्स ली है, और उन मेजर्स की वजह से जो हमारे पास रेडिएशंस हैं, दे आर क्वाइट सेफर जो आजकल हम रेडिएशन के साथ डील कर रहे हैं। सो असल में जो रेडिएशन है, अगर आपको पता हो कि रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, so it will be much easier for the medical imaging technologist के उनको पता हो कि हमने खुद को बचाना कैसे है। so तभी this is very very important, खास तौर पे जो radiation के health effects है वो क्या है, तो वो हम इस radiobiology में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाला image आपके पास नजर आ रहा है on the very right hand side, ये हमारे पास क्या है कि it's a strand of the DNA, double strand of the DNA, और हमारे पास जब रेडिएशन आके टकरा जाती है, सो इट कैन कॉज टू थिंग्स। असल में बताते खुद रेडिएशन दो चीजें कॉज करती है, व्हाट इज वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन, द अदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन। सो बाय आयनाइजेशन मींस देयर विल बी द आयंस प्रोडक्शन। सो आयंस आर टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव आयन, द अदर इज अ नेगेटिव आयन। बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट अनदर रिएक्शन। So, वो जो रिएक्शन कॉज करेगा उसके वजह से क्या होगा कि देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अल्ट्रेशन, चेंजेस हो जाएंगी, एंड वी कॉल दिस अल्ट्रेशन एज अ म्यूटेशन एज वेल इफ इट हैपेंस इन द डीएनए। तो हमारे पास जो डबल स्ट्रैंड है, अगर इस पे रेडिएशन आके हिट कर जाती है, सो या तो ये सिंगल स्ट्रैंड डैमेज कर सकता है या डबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डैमेज कर सकता है। इफ द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हैपेंस, इट्स quite easier for the cell to repair itself. खास तौर पे जो DNA में ये जो single strand है, वो दूसरे strand जो अभी damage नहीं हुआ, उससे copy करके वो उसमें बना सकते हैं और repair हो जाएगा. But if it's the case that the dual strand are been hit and they are been broken down, so then there will be an issue with the repair, and that's how it leading toward the misrepair. जब misrepair हो जाएगा, उसके वजह से देयर कुड बी एन इशू वी कॉल द इफ द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द म्यूटेशन, वी कॉल इट द कैंसर। सो द कैंसर कैन हैपेंस एज वेल। सो रेडियोबायोलॉजी में हमारा जो मेन फोकस है वो दो चीजों पे है, दो सेक्शंस है इस मॉड्यूल के या इस जो सब्जेक्ट के हैं। एक रेडियोबायोलॉजी है, व्हिच विल बी स्टडीइंग ऑल ऑफ द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। दूसरा जो हमारे पास है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड द अदर्स। जो प्रोटेक्शन में है वो सेल्फ आता है, पेशेंट आता है, और जो वहाँ और हेल्थ केयर वर्कर या हॉस्पिटल में जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कैसे हमने बचाना है। सो दीज आर द मेन कंसर्न्स जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। रेडियोबायोलॉजी में बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अलावा फोर टेम्पोरल स्टेज ऑफ द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, सेल साइकिल, सेल क्लासिफिकेशन, सेलुलर रिस्पॉन्स, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ द रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज,
रेडियो सेंसिटिविटी विच इज क्वाइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, खासतौर पर रेडियो सेंसिटिविटी फैक्टर मॉडिफाइंग सेलुलर रिस्पॉन्स, व्हाट आर दोज, जो हम बाद में LET और बाकी और चीजें पढ़ेंगे, कैटेगरीज ऑफ रेडिएशन बाय इफेक्ट, लेट इफेक्ट्स एंड द अर्ली इफेक्ट्स एज वेल. सो ये सारी जो हमारे पास चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे रेडियो बायोलॉजी में. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड स्लाइड जो कि हमारे पास है. ओके द इंट्रोडक्शन. एक्सरेज आर हार्मफुल एज वी आर वेल अवेयर ऑफ इट के एक्सरेज आर वेरी वेरी हार्मफुल. हाउ दे आर हार्मफुल? बिकॉज दे आर आयनाइजिंग रेडिएशन. इट कैन कॉज आयनाइजेशन. Excitation is another phenomenon. Excitation is like the energy has been gained by a lot of the electrons, and then the electron jumps from their original place to the other one, and then while if it actually loses that energy, so it jumps back. So uske wajah se jo radiation hai, that can cause damage to the cells as well. We will study later on like how detailed things are there, how it can cause damage to the particular cells. If a sufficiently intense X-rays can are being used, so what it will cause? It will cause the skin burn. खास तौर पे ये चीज देखी गई है जो रेडियोथेरेपी में पेशेंट्स हैं. हाई रेडिएशन डोजेस आके जब पेशेंट को दे देते हैं तो उसमें क्या मसला होता है कि स्किन बर्न हो जाती है. If you have seen such patients, जो रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जब भी रेडिएशन डिलीवर कर देते हैं तो उसमें उनके जो स्किन है becomes reddish. और बाद में ये वो कैन कम अप विद सम ऑफ द रिजल्ट, जो कि रिजल्टेंट उसका ये भी हो सकता है कि बाद में ओजेस भी निकल सकती है, स्किन बर्न हो जाता है. कैटरेक्ट्स आर इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद द आई. आई का जो लेंस है बिकम्स रेडियोपेक. रेडियोपेक नहीं, ओपेसिटी हो जाती है. ओपेसिटी मीन्स इट कांट ट्रांसफर द लाइट कांट ट्रांसमिट अक्रॉस इट. सो इस वजह से वी कॉल्ड द कैटरेक्ट. यू कैन सी द इमेज on this very right side, जो कि bright appearance है, and a lot of patients and a lot of people are having them, if you might have seen around. So उसमें normal eye appear like this, और ये हमारे पास cataract वाला patient है. Cancers can occur because of the mutation, and cancers are is a term that can be used for both soft tissues as well as for bones. और अगर हमारे पास blood हो उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, but leukemia is specifically related to the bone marrow and blood. Aur hamare paas aur bhi bahut sare harmful effects hai that we will be studying in this very module later on. Our aim in radiology should be that high quality x-rays and with the minimal exposure. So high quality x-ray films, I mean here high quality images hamare paas aane chahiye with the less use of the radiation. So radiation kam istemal karenge aur zyada se acha image hamare paas aaye. Then we are having an LRA principle. LRA you all aapne shayad padha hoga RST mein, ki usme a is low is reasonably achievable. What do you mean by this particular term? We mean here ki you will have to use the radiation in a way that you can't lose the image quality. So that's why A is low is reasonably achievable. Using the very reasonable sort of and low radiation that you will not lose the. Asal mein agar hum lose kar jate hain image quality ko, fir masla kya hota hai ki we will be hamare paas main masla hai ki then you will be repeating the x-ray. So if we are repeating x-ray, we haven't performed that particular function. Function kya hai, hamara kaam kya tha isme? मसला ये था कि हमने रेडिएशन अगर हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वी आर यूजिंग इट फॉर द गुड पर्पस. द गुड पर्पस इज इमेजिंग. तो इतना कम भी आप एक्सरे इस्तेमाल ना करें कि आपके पास इमेज क्वालिटी खराब हो, कि आपको दोबारा देने पड़े, क्योंकि वो आपको नुकसान हो जाएगा. सो यू विल हैव टू गिव इट वेरी रीजनेबल. दैट्स व्हाई एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. बट नाउअडेज इन द वेस्ट इट इज चेंज टू LRP. LRP इज समथिंग एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल. Practicable means that looking at the ground realities. Ground realities is we are well aware of the research. That the research tells us that if we have 60 ms, or example, I am saying that for example 60 ms or 10 the way around is 60 kVp and 10 ms is good for the chest. I am giving you an example. So then that's the basis because it will based on the research somebody has done. तो उस रिसर्च के बुनियाद पे जो रीजनेबली प्रैक्टिसेबल हो, जो आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, वो पर्टिकुलर हमने इस्तेमाल करनी होती है.
हमें कब पता चला कि रेडिएशंस आर वेरी हैजर्डस? ये आई हमारे पास बात ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से, और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कब परफॉर्म हुई, कब हमारे पास सामने आई? जब मैं आपको पीछे ले जाता हूँ इनकी तारीख के बारे में, कि जब 8 नवंबर 1895 को जब एक्सरेज डिस्कवर हुए, सो नोबडी न्यू, दे सेड दीज आर एक्सरेज दैट आर दे आर इनविजिबल रेज बट दे आर एक्स अननोन रेज. Those invisible rays, nobody can see them. That's why उसका जो effect है उनको, वो भी उनको पता नहीं था. तो बाद में जितनी भी radiation इस्तेमाल हुई, बिल्कुल carelessly इस्तेमाल हुई, because nobody knew के these are dangerous. Later on with the passage of time, चीजें आती गई और हमारे पास उसके observation से ही हमें पता चला कि हाँ, these are harmful. मैं इसको correlate करूँगा जो आजकल की हमारे पास example है, कि हमारे पास जो मोबाइल फोन में है, we are having microwaves, जो there are some of the authorities like telecommunication authorities, उनकी website पे जाके आप जब देखेंगे, so उन्होंने खुद भी कहा हुआ है बकायदा कि जो हमारे पास मोबाइल की भी rays है, these microwaves they are very harmful as well. So कहते हैं कि आप जब भी अपने room में enter हो, तो ये mobile आप room के बाहर छोड़ दे. इतना मतलब carefulness हमें चाहिए, but we are putting it very very close to जो खास तौर पे पॉकेट्स में रखते हैं, दीज आर नॉट गुड एट ऑल. क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स भी आए हैं, जो कि अ लॉट ऑफ वुमेन्स आर कीपिंग देयर मोबाइल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उनकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हुए. यू कैन सी इट बाय यू नो सर्चिंग द गूगल, के बकायदा कैंसर्स भी हुए हैं उनकी वजह से. सो आई सस्पेक्ट के इसके जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास, जो आजकल हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करें, इतने 4G, 5G and all of the Wi-Fi and things, इसके effects आएंगे, I think some 10-20 years बाद इसके भी effects आने शुरू हो जाएंगे. So जो पिछले observational studies है regarding this, जो radiation है उसमें early medical radiation worker, जो early medical radiation worker थे, for example मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास fluoroscope इस्तेमाल करते थे, X-rays इस्तेमाल करते थे, they were using it very freely. तो उन जैसे उनमें तब तक उनको पता नहीं था, बाद में जब कैटरेक्ट्स और थायराइड कैंसर आने शुरू हो गए, सो दे न्यू ओ के देयर आर सम रेडिएशन इफेक्ट्स. अर्ली 20th century जो यूरेनियम माइनर थे, यूरेनियम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज एन आइसोटोप, पर्टिकुलरली फॉर द एटॉमिक यू नो यूजेस लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स एंड ऑल दोस. खास तौर पे जो हमारे पास एटॉमिक यू नो के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. सो यूरेनियम माइनर, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द माइंस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द यूरेनियम, उनमें भी ये चीजें देखेंगे कि देवर कैंसर दैट वर बीन ऑब्जर्व. रेडियोथेरेपी इन चाइल्डहुड, दिस इमेज इज फ्रॉम द 20th सेंचुरी यूरेनियम माइनर्स, द पीपल हु यूज्ड टू वर्क जस्ट लाइक कोल माइन, ये यूरेनियम माइन में काम करते थे. रेडियोथेरेपी इन द चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में आप देखेंगे दिस इज अ पेशेंट जो कि 18 ईयर से कम लग रहा है. उनमें मसला ये था कि इस जो पेशेंट में, इसमें रेडियोथेरेपी पहले करते होते थे खासतौर पे ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट उनकी. एक बाद में पता चला कि बच्चों के लिए जो हाई रेडिएशन डोजेज है देयर, क्योंकि रेडियोथेरेपी आर यूजिंग द हाई रेडिएशन डोजेज, सो उनमें भी देखे गए कि डेथ रेट्स इंक्रीज हो गए. Then there were some of the people who were working, workers working with the watch factories. So watch factories में रेडियम डायल पेंटर पे, रेडियम डायल पेंटर और द पीपल जो रेडियम डायल को बकायदा उनकी घड़ी में ना, यू नो के अवर वॉच ग्लोज एट द नाइट, रात को आप अपना जो घड़ी आप देखते हैं उसमें इट ग्लोज. व्हाई इट ग्लोज? बिकॉज इट कंटेन्स द रेडियम, रेडियम आर रेडियो आइसोटोप्स व्हिच एमिट्स द रेडिएशन, तभी इट ग्लोज. उन लोगों में भी रेडिएशन की वजह से कैंसर आने शुरू हो गए. Then we were having there were another phenomena or incident hua, that is intentionally using the atomic bomb by the US on the Japan, jo ke Hiroshima pe ek bomb giraya gaya aur ek Nagasaki pe 1945 World War II mein. Usme Hiroshima pe on spot 80,000 people died, or later on there were hundreds of thousands people died later on. Nagasaki mein 40,000 us time pe and tens of thousands later on in both of the areas. Chernobyl, there is a place called Chernobyl. ये जो Chernobyl का वाकया है, Chernobyl तब हुआ, ये रशिया में एक टाउन था, वहाँ पे एटॉमिक प्लांट था. एटॉमिक प्लांट जो था वो उसमें खराबी आ गई एट बर्स्ट, और जब ये बर्स्ट कर गया, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ,
तो 28 डेथ ऑन स्पॉट हो गए, और तकरीबन पहले 3 मंथ में, उसके बाद भी उस एरिया में काफी ज्यादा रेडिएशन थी, सो द पीपल वर बैंड, वो पूरा टाउन ही खाली करना पड़ा, और आजकल भी चेर्नोबिल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। देन द फर्स्ट थिंग दैट वाज बीन इंट्रोड्यूस, जो कि हमारे पास रेडिएशन डोज का रिलेशन विद थायराइड कैंसर, ये पहली दफा पता चला, क्योंकि उससे पहले पता नहीं था कि थायराइड कैंसर कैन बी हैपन ड्यू टू द रेडिएशंस, क्योंकि थायराइड्स आर द ग्लैंड जो कि बिल्कुल इंटीरियरली किसी भी जो नेक पे इंटीरियरली पड़े होते हैं, सो दे आर वेरी ससेप्टेबल टूवर्ड द रेडिएशन, तो रेडिएशन की वजह से इसमें कैंसर भी हो सकता है, तो ये भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ऑल ऑफ देम, एंड दैट्स हाउ हमें पता चला इससे कि रेडिएशन कैन कॉज कैंसर एंड दे आर हार्मफुल। अर्ली मेडिकल रेडिएशन वर्कर्स यू कैन सी के थॉमस एडिसन, ये उनका फ्लोरोस्कोप है, डायरेक्टली एक्सरेज निकल के आ रहे हैं, एंड ही इज ऑब्जर्विंग विद हिज बेयर जो आई है, खासतौर पर यूजिंग दिस फ्लोरोस्कोप जो छोटा सा है, सो उसमें रेडिएशन के आईज में डायरेक्टली जाती थी, सो दैट्स व्हाई दिस पीपल सफर्ड लेटर ऑन। मारिया क्यूरी, शी डाइड ऑफ कैंसर एज वेल, शी ऑल्सो गॉट अ नोबल प्राइज, जो इनकी फैमिली भी थी, इनकी फैमिली जो वाहिद है कि इसमें 3 to 5 नोबल प्राइज इनको अवार्ड हुए हैं, सो ये भी बाद में इसकी वजह से फौजी हुई। रेडियम डायल वर्कर्स, अखबार ने भी दिया कि रेडियम डेथ ऑन रैम्पेज, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर वर्किंग विद द रेडियम डायल, खासतौर पर इस घड़ियों में और इन जो टाइम पीसेज हैं इनमें, फिर बाद में इनको ये अपेयर्ड एज अ कैंसर ऑफ द थायराइड आइदर मैंडिबल, तो ये सारा जो जितने भी एक्सपोज एज एरियाज एक्सपोज थे उनमें भी ये रेडिएशन की वजह से कैंसर्स आ गए हैं, तो हमें पता चला कि दीज आर डेडली, रेडिएशन आर नॉट गुड एट ऑल। एटॉमिक ब्लास्ट, सो दिस इज फ्रॉम द नागासाकी, द ओरिजिनल पिक्चर फ्रॉम द नागासाकी, एंड दिस इज फ्रॉम द हिरोशिमा, एंड दिस वाज द बॉम्ब, दे कॉल्ड इट द स्मॉल बॉय या बिग बॉय, आई फॉरगॉट नेम, बट एनीहाउ दिस वाज द बॉम्ब दैट दे हैव यूज्ड। इफ यू कैन सी दिस इज द हिरोशिमा नागासाकी, सो आजकल की भी ये बिल्डिंग जो है ये बकायदा वहां पे है हिरोशिमा में, और इसमें क्या है कि दे हैव मेड इट एज अ मोन्यूमेंटल, कि उनको याद दिलाए, और हर साल ये मनाते हैं कि हम पे एटॉमिक बम गिराया गया था, और ये जो वेरी पिक्चर इज फ्रॉम द चेर्नोबिल, कि चेर्नोबिल ब्लास्ट हुआ तो कैसे ये चीजें जो ब्लास्ट है हाउ इट डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ द एरिया अराउंड। द वेरी रिसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड वाज फ्रॉम द सुनामी, कि देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द सी, जिसके वजह से द सी सर्ज्ड, और ये सी जब ऊपर आया तो जो चेर्नोबिल फुकुशिमा का जो एटॉमिक प्लांट था इट वाज लोकेटेड वेरी ऑन शोर, खासतौर पे ये बिल्कुल यहाँ पे बीच पे था या सी के किनारे था, नजदीक था, सो उसकी वजह से वहां पे इंसिडेंट हुआ, और एटॉमिक एक्चुअली द एटॉमिक प्लांट जो है वो खराब हो गया, ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से जितनी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल थी इट स्प्रेड अक्रॉस, सो खासतौर पे ये एरिया दिखा रहे हैं कि अप्रैल 2011 में इतना रेडिएशन स्प्रेड हो गया था, और आफ्टर 5 ईयर्स द स्प्रेड इज बीन कन्फाइंड, क्योंकि आपको पता है कि रेडिएशन कैरीज हाफ लाइफ, इफ इट्स बीन गिवन अ टाइम सो इट रिड्यूसेस इन क्वांटिटी, तो ये रेडिएशन जो है इसका स्प्रेड फिर खत्म हो गया। ये भी था कि ऑल ऑफ दोज एसोटोप्स दैट हैव बीन लीक्ड इनटू द सी, द फिशीज वर आल्सो कंटेनिंग दोज पार्टिकल्स, सो वहां पे फिर फिशीज भी, उन्होंने फिशिंग कम कर दी और वहां से नहीं की उन्होंने, क्योंकि उन इफ दे कैन ईट द फिश सो द आइसोटोप्स कैन गो इन टू देयर बॉडी एंड देन कैन कॉज डैमेज एज वेल। देन व्हाट द रेडिएशन कैन कॉज टू अ ह्यूमन लेवल, सो द इंटरेक्शन हैपेंस एट द एटॉमिक, वेरी एटॉमिक लेवल, बिकॉज वी नो द फोटॉन्स ऑफ एक्सरेज और आइदर एनी ऑफ द रेडिएशन दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड इट कैन इंटरेक्ट विद द सब स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल, खासतौर पे आप देखेंगे तो बॉन्ड्स एंड और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स पे इसका असर होता है, सो इन एटॉमिक लेवल पे और मॉलिकुलर लेवल पे इनके इंटरेक्शन होते हैं, आयनाइजेशन इफ इट स्प्लिट्स दिस रेडिएशन कैन कॉज स्प्लिटिंग ऑफ द पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, आइदर मॉलिक्यूल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सो पर्टिकुलर अगर मॉलिक्यूल है, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द वाटर, सो वाटर H2O को अगर रेडिएशन हिट करती है
एच आइन प्लस आइन और ओ एच जो कि नेगेटिव आयन है, सो वहां ये आयनाइजेशन कॉज कर सकती है। एक्साइटेशन एटॉमिक लेवल पे है, एक्साइटेशन ये है कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इफ रेडिएशन हिट्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सो इट कैन गिव इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेल इन टू द अपर शेल। तो क्या है कि इट विल बी इन द मेटल स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट में होता है, उसके बाद वो जब रेडिएशन रिलीज करते हैं सो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, सो दैट रेडिएशन कैन हिट फर्दर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि उसमें डैमेज कॉज कर सकता है। सो इफ एक्साइटेशन और आयनाइजेशन द एनर्जी डिपोजिशन कैन हैपन एंड कैन ब्रिंग द मॉलिक्यूलर चेंज, एंड द मॉलिक्यूलर चेंज इज एक्चुअली समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर फॉर द ह्यूमन बॉडी में, ये तो जरूरी ये मसला जो है कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज। केमिकल बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रेक डाउन, सो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द DNA, the single strand is destroyed, or either the double one is actually very very harmful, because if this thing happens, if in a case it can repair itself, the transcription process can happen, and then the apoptosis can happen, that the cell may die, or either the cell transition, the cell cycle will be stopped. So that's the issue with the radiation if it can hit the particular जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूल में सीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूल में सीज और इम्प्रॉपर फंक्शन, सो इट कैन स्टॉप द फंक्शन और इट कैन टोटली यू नो देयर विल बी इम्प्रॉपर फंक्शन। सो इम्प्रॉपर फंक्शन इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड द कैंसर, फॉर एग्जांपल कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, सो द फंक्शन विल नॉट बी गुड एट ऑल। It can also cause the death of the cell or either a serious impairment. So two things are not repairable. One is the cell death. You can't repair it because the cell has died. And the second thing is it can cause serious impairment. Serious impairment means there will be an issue with the particular molecule or either the strand of the double the strand or either the protein or something. So that is also something you can't repair or reverse it. So that's why these two things are reversible, irreversible. Molecules can mend by enzyme repair as well. But agar you are well aware, aapne cell jo hai badi detail se padha hua hai DNA repair, ke there are enzymes that actually help in the mending or either repairing of that particular strain or particular tissue. Where effects of the radiation on the human, so cells and tissues can regenerate and recover from the radiation injury. If it's not major issue is not there, the cell and the tissue can repair itself. It is having the mechanism by birth. Or regenerate bhi kar sakte hain if the damage happens. For example, हम example में आपको ये दूंगा कि आपका अगर skin radiation वैसे radish हो गया है या it gives an injury. So the injury can be repaired because tissue can repair itself. फिर इसके ना दो effects है radiation के. Radiation के effects दो हैं. आपने बहुत सारे radiographers को और बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई हमने radiation का है सर्दस है. हमने तो 20-20 साल तक काम किया हुआ है, इसका कोई असर ही नहीं है. आप लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे डर रहे हैं. So they should be afraid of it because radiation के effects हैं. अगर अभी उनकी ऑन स्पॉट नजर नहीं आ रही, सो इट विल अपीयर लेटर ऑन. इसकी दो किस्म है. अगर रेडिएशन के इफेक्ट्स ऑन स्पॉट आ जाए, वी कॉल इट द अर्ली इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन, वी आल्सो कॉल इट द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट. इनकी जो इफेक्ट्स है, इट विल अपीयर इन मिनट्स और डेज. मिनट्स और डेज में अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा ज्यादा क्वान्टिटी में जब मिलती है, तो ज्यादा क्वान्टिटी वाली ही उनकी जो असरात होते हैं, इट विल बी इन मिनट्स और आइदर इन द डेज. सो वी कॉल्ड द अर्ली इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन, इन अदर वर्ड वी आल्सो कॉल्ड इट द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट. दोस थिंग्स जो या दोस पीपल हु से दैट द रेडिएशन डजंट हैव एनी इफेक्ट, जो रेडियोग्राफर वगैरह काम करते हैं, सो एक्चुअली वी आर रिसीविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडिएशन. जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ रहे हैं, उनमें जो इफेक्ट्स है, इट विल बी इन मंथ्स और आइदर इन ईयर्स. तो उसको हम कहते हैं लेट इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन, या स्टोकास्टिक इफेक्ट भी कहते हैं. स्टोकास्टिक इफेक्ट असल में जो रेडिएशन हमारे पास है, रेडिएशन जो हाई से मतलब ये है कि द मेजर इंसिडेंट हैपेंड, उसकी हाई रेडिएशन डोजेज. फॉर एग्जांपल
एटॉमिक ब्लास्ट हो गया, जो एटॉमिक मटेरियल की ना डिस्पर्सल हो गई, उस केस में ये हाई रेडिएशन डोजेस आ गए, उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो जाते हैं। और जो हमारे पास कुछ लोग जो है लाइक जो रेडिएशन डिपार्टमेंट में या रेडियोलॉजी में काम करते हैं, उन्हें भी जो रेडिएशन है दे आर रिसीविंग इट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट उनकी जो इफेक्ट्स है इट टेक्स टाइम, लाइक उनकी हेरिटेरियल चेंजेस हो सकती है और उसके बाद लेट इफेक्ट्स आ सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो इन जैसे मसाइल से बचने के लिए हमारे पास कंप्रिहेंसिव मैकेनिज्म मौजूद है, एक कंट्री लेवल पे भी होता है, हमारे पास पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी अपनी एक हेल्थ वाला एक ब्रांच है जिसमें देयर इज अ डिवीजन रिलेटेड टू द हेल्थ जो कि इन सब चीज़ों को देखती है, जो एक्सरेज में काम कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी में काम कर रहे हैं, एसीटी में काम कर रहे हैं, या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कार्डिक इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं, या हमारे पास रेडियोथेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करते हैं। उनके हर मंथ की या 3 मंथली उनकी रेडिएशन चेक होती है, और वो रेडिएशन चेक से उनके पास डोज और डेटा होता है कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना डोज मिला है। सो दे आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस गैदरिंग डेटा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ये जो डेटा है, ये जो एडवांस कंट्रीज है दैट ऑफ द US या फॉरन जो वेस्ट कंट्रीज है, उनने काफ़ी इन डेटा को देख के काफ़ी दे नो फ्रॉम इट के जो असल में इसमें रिसर्च हो रही है अब भी, सो दे आर लुकिंग इन टू इट के इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या मसले हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये हमारे पास है स्टोकास्टिक इफेक्ट। रिस्पॉन्सेज अफेक्ट इन लार्ज रेडिएशन डोजेज, खासतौर पर जो रेडिएशन के इफेक्ट्स है वो हाई रेडिएशन डोजेज में है। To look at this particular diagram, so इसमें जो रेडिएशन इफेक्ट्स है, हाई डोजेस पे हमारे पास बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, हमें फैटल मीन्स पर्सन कैन डाई, और आइदर हाफ ऑफ दोज एक्सपोज वुड किल हाफ ऑफ द सेल्स, जो कि हमारे पास अगर विद इन 1 मंथ में मर जाते हैं, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, नो इमीडिएट इफेक्ट्स बट उसकी वजह से मसले हो सकते हैं, 5% चांसेस ऑफ कैंसर हो सकता है अगर 1000 मिलीसेवर्ड अगर आप रेडिएशन डोजेस लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास अगर हम कम रेडिएशन डोजेस लेते हैं डेट ऑफ लेस देन 50 मिलीसेवर्ड, उसकी न तो सिम्टम्स है और उनकी जो रिस्क है वो बहुत कम है। दैट्स वाई जो हमारे पास अगर फुल बॉडी स्कैन हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें हमारे पास 10 मिलीसेवर्ड एक पेशेंट को मिलती है, और अगर हम रेडियोलॉजी के एक बंदे को देखें तो अमूमन हम अगर एक्सरे में काम कर रहे हैं सो वी आर रिसीविंग 0.1 टू 0.5 मिलीसेवर्ड मैक्सिमम, 0.5 टू भी किसी का नहीं आता। तो दैट्स व्हाई डोंट बी अफ्रेड और आइदर वरी कि हमारे पास रेडिएशन जो हम रेडियोलॉजी में काम कर रहे हैं रेडियोलॉजी में हमारे पास रेडिएशन डोजेस की वजह से हम पे इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो वेरी लेस बिकॉज हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा एक तो वी हैव मेट दिस पर्टिकुलर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इस फील्ड को बहुत, बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने इस फील्ड को बहुत ज़्यादा सेफ बनाया है क्योंकि हमने रेडिएशन प्रोटेक्शन की है हर लिहाज से। वो आप देखें तो हमारे पास रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिहाज से भी है, डिज़ाइनिंग के लिहाज से एक्सरे रूम या जो भी हमारे पास रेडिएशन मॉडलिटी है उसकी डिज़ाइन की वजह से भी, फिर हमने मेकेनिज्म बनाया है कि रेडिएशन डोज मॉनिटर कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई रेडियोलॉजी फील्ड इज क्वाइट सेफ फॉर नाउ। बाकी ये है कि द इशूज कैन हैपन्स, आईज कैटरेक्ट आ सकता है, थायराइड में कैंसर आ सकता है, लंग्स में कैंसर आ सकता है, स्टमक में कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टेरिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है कि फिर एग प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन में इशू आ सकता है। स्किन कैंसर जो कि कैंसर बहुत ही हाई रेडिएशन डोज जाता है, बट द बर्न्स इन रेडनेस कैन हैपन ऑन द स्किन एज वेल। फिर जो मेन इशू है इट्स विद द बोन मैरो, बोन मैरो में हमारे पास जो स्टेम सेल्स है, द स्टेम सेल्स फंक्शन कैन बी कम्प्रोमाइज एंड दैट्स हाउ द ल्यूकेमिया या अदर इम्यून डिजीजेस कैन हैपन ड्यू टू इट एज वेल। सो ये हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी